नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेंसर नेटवर्क टोपोलॉजीज। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हमारा, जिसमें हमने देखा था कि कैसे आर्किटेक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है अपना सेंसर नेटवर्क का। तो वो किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, सेंसर नोड्स थी जो हमारी, वो किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकती हैं, उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। तो सेंसर नेटवर्क की टोपोलॉजीज वो कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती हैं, वो सभी हम जानेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप एक्सेस कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो सेंसर नेटवर्क टोपोलॉजी शुरू करते हैं। ओके, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंसर नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो जो सेंसर का नेटवर्क है वो चार तरीके से कनेक्ट हो सकता है। वो चार तरीके कौन कौन से हैं, फोर वेज कौन कौन से हैं? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, ट्री नेटवर्क, मैश नेटवर्क। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वीडियो के अंत तक एंड तक आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखें पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको, मैं डायग्राम के उससे भी समझाऊँगा आपको। तो ये हमारी सारी टोपोलॉजीज़ हैं जिसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा, एक बार समझा देता हूँ कौन सी टोपोलॉजी का कैसे काम करती है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होता है कि इन दिस टोपोलॉजी देयर इज़ नो सेंट्रल हब। इस टोपोलॉजी में इस प्रकार के कनेक्शन में, ठीक है, सेंसर नोड्स के इस प्रकार के कनेक्शन में देर इज़ नो सेंट्रल हब, मतलब कोई बीच का बंदा नहीं होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आए। ठीक है, सभी इस सिंगल डेटा कम्युनिकेशन चैनल इज यूज फॉर अ सिक्योर कम्युनिकेशन। एक सिंगल डेटा कम्युनिकेशन चैनल यूज़ होता है, एक ही रास्ता यूज़ होता है जिससे हम जा सकते हैं या फिर आ सकते हैं, सिर्फ एक रास्ता, एक रास्ते के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ईच डिवाइस कैन एक्ट एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर इन इट। तो जो डिवाइस होते हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में, तो हर एक डिवाइस क्लाइंट की तरह भी वर्क कर सकता है और सर्वर की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, ओके, तो सर्वर का मतलब क्या है, जहाँ से डेटा हमें भेजना है, जहाँ से डेटा हमारा सर्वर स्टोर होता है भेजना है, क्लाइंट जो रिसीव करता है। ओके, तो कोई भी नोड अपनी सर्वर की तरह भी काम कर सकते हैं, क्लाइंट की तरह भी काम कर सकते हैं। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी आप देख सकते हैं पहला। तो इसमें क्या है, हमारे तीन डिवाइसेस दिखा रखे हैं मैंने। तो इसमें क्या है, एक ही सिंगल चैनल होता है सिर्फ। अब ये डिवाइस है ना, ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कनेक्शन कर सकता है। ये डिवाइस सर्वर की तरह वर्क कर रहा है, ये क्लाइंट की तरह वर्क कर एक टाइम पे। ठीक है, तो ये डेटा भेजेगा, ये रिसीव करेगा, या फिर ये सर्वर की तरह काम कर रहा है, ये क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, तो ये भेजेगा, ये रिसीव करेगा। ऐसे ही अगर ये डेटा इसको भेज रहा है, ठीक है, तो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ बिटवीन टू डिवाइसेस होगा। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होगा, हमेशा सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच में होगी। ठीक है, अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाता है तो ये टोपोलॉजी फेल हो जाती है और हमारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हमारी रह जाती है। ठीक है, लॉस हो जाती है, इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। तो ये टोपोलॉजी हमारी इतनी कारगर नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आते हैं स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी पे। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, अनलाइक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स, अ सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन हब इज प्रेजेंट इन अ स्टार नेटवर्क। तो जैसे हमने बात करी थी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल हब नहीं था। ठीक है, आपस में ये दो डिवाइस थे, वो कनेक्ट कर रहे थे आपस में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में सेंट्रल हब होता है। ठीक है, जिसके पास सारे के सारे बंदे आएंगे। ठीक है, ईच कम्युनिकेशन फ्लोस थ्रू अ सेंट्रल हब। तो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी पहले वो सेंट्रल हब के पास आएगी, फिर वहाँ से वापस जाएगी जिसके पास भी जाना है उसको। तो इसको हम देख लेते हैं। तो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी हम देखते हैं। अब इसमें देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल हब है। अभी जितनी भी नोड्स हैं ना, ये सारी इससे कनेक्ट करेंगी, फिर इससे डेटा जाएगा वापस। ठीक है, तो इसमें भी कोई कोई जो अपना सेंट्रल हब है ना, ये अपना काम करता है बीच के बंदे की तरह। ठीक है, जो क्या करेगा, अपनी डेटा को भेजेगा, रिसीव करेगा, इसके पास ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी पहले, फिर किसी भी नोड के पास जाएगी। किसी भी नोड को अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो इससे कम्युनिकेशन करेगा और किसी नोड से कम्युनिकेशन वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी होगी। ठीक है, अब आते हैं ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी पे। ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होगा, पेड़ की तरह नाम ही से पता चल रहा है, जैसे पेड़ होता है हमारा। अभी पढ़ लेते हैं इसको एक बार। दिस टोपोलॉजी इज अ हाइब्रिड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट एंड स्टार टोपोलॉजी। तो
तो जो हमने पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पढ़ी जिसमें दो डिवाइसेस थे, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी जिसमें एक सेंट्रल हब था जिससे सारा कम्युनिकेशन हो रहा था, तो उन दोनों को मिक्स कर देंगे, अगर मिला देंगे, हाइब्रिड कर देंगे, तब ये टोपोलॉजी बनती है, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। द सेंट्रल हब इज कॉल्ड अ पेरेंट नोड। अब इसमें जो सेंट्रल हब होता है ना उसको हम पेरेंट नोड बोल देते हैं। डेटा इज पास्ड फ्रॉम लीफ नोड्स टू द पेरेंट नोड। डेटा क्या है, जो लीफ, लीफ का मतलब क्या, पत्तियां, जैसे पेड़ में अपनी पत्ती होती है ना, तो पत्तियों से कहाँ पे जाएगा, अपना पेरेंट नोड के पास जाएगा, सेंट्रल हब के पास जाएगा। इसको देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आप ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी में देख सकते हैं ये अपनी लीफ नोड्स है ये, ठीक है। अब ये इन लीफ नोड्स के लिए ये पेरेंट नोड है, तो जे डेटा लीफ नोड से कहाँ पे जाएगा, पेरेंट नोड्स पे जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ये लीफ नोड्स हैं, ये लीफ नोड्स हैं, ये पेरेंट नोड है, तो ऐसे ट्री की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी तीन टोपोलॉजीज हो चुकी हैं, फोर्थ टोपोलॉजी देखते हैं, लास्ट टोपोलॉजी। तो लास्ट टोपोलॉजी क्या अपनी, मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, इन द मैश नेटवर्क द डेटा कैन मूव फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है। इस मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो डेटा है अपना, इन्फॉर्मेशन है, वो कैन मूव फ्रॉम वन नोड टू, एक नोड से दूसरे नोड पर जा सकती है, ठीक है। हमें कोई बीच में सेंट्रल हब की जरूरत नहीं है। ऑल द नोड्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली विदाउट अ सेंट्रल कम्युनिकेशन हब। इसने ये बात बोल दी कि हमें कोई सेंट्रल कम्युनिकेशन हब की जरूरत नहीं है इसमें, तो फिर सिमिलरिटी हो गई। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में भी हमें सेंट्रल हब की जरूरत नहीं थी, तो इसमें भी जरूरत नहीं है, नहीं। लेकिन हम देखते हैं क्या डिफरेंस, अभी देखते हैं, बताता हूँ आपको। द मैश नेटवर्क इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी बिकॉज देर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इसमें कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा रिलायबल जो टेक्नोलॉजी होती है वो मैश नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है, ठीक है, जटिल होती है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या पॉइंट टू पॉइंट में। पॉइंट टू पॉइंट में क्या सिर्फ दो डिवाइसेज हैं, लेकिन मैश टोपोलॉजी में क्या आपने मल्टीपल डिवाइसेज हैं जो आपस में किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। इसको इससे कनेक्ट होना है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, इसको इससे कनेक्ट होना है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो आपस में किसी भी नोड से कनेक्ट हो सकते हैं। इनको बीच में कोई सेंट्रल हब की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट से मैंने आपको बता दिया है कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेज होते हैं, उसमें सिर्फ दो ही डिवाइसेज होते हैं जो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार नेटवर्क का मैंने बता दिया, सेंट्रल हब होता है, और ट्री नेटवर्क में अपना ट्री का स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस किस तरीके सेंसर नोड्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है, ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, कोई सजेशन तो आप वो लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू अगेन।